हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रिंकी और आप देख रहे हैं रिंक्स चॉइस चैनल। आज मैं लेकर आई हूं कोरोना काल में डाक विभाग में सरकारी नौकरी की जानकारी। जी हां दोस्तों, 634 पद कोरोना काल में निकाले गए हैं डाक विभाग में, यानी कि पोस्ट ऑफिस में निकली है ये सरकारी नौकरी। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, कैसे अप्लाई करना होगा, कैसे मिलेगी आपको ये सरकारी नौकरी, ये सब कुछ पता चलेगा आपको इसी वीडियो में। लेकिन पूरी जानकारी की शुरुआत करने से पहले ही मैं ये कहूँगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको मिलती रहे पूरे भारत में निकलने वाली हर एक सरकारी नौकरी की जानकारी। इसके अलावा ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसमें आपका फ़ायदा छिपा है, हम आपके लिए लेकर आते हैं हर रोज़। तो आइए बात करते हैं कि डाक विभाग में सरकारी नौकरी कहाँ निकाली गई है। तो कोरोना काल में डाक विभाग में नौकरी का मौका है। प्रदेश भर में ग्रामीण डाक सेवक और शाखा डाकपाल के 634 पद भरने के लिए विभाग ने आवेदन मांगे हैं। और बता दूं आपको कि आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है और सिलेक्शन के लिए लिखित परीक्षा नहीं होगी। 10वीं की मेरिट के आधार पर ही सीधी भर्ती होगी। आवेदन आने के बाद विभाग 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट बनाएगा। इस मेरिट के दायरे में आने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के लिए यानी कि साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए मेरिट में सिलेक्टेड उम्मीदवारों के पंजीकृत नंबर पर इसका संदेश यानी कि मोबाइल नंबर जो आप भरेंगे फॉर्म भरते समय उस पर ही इसका मैसेज आ जाएगा। कांगड़ा में 144 पदों के लिए भर्ती की जानी है। इसमें धर्मशाला मंडल से 89 यानी कि 89 और देहरा मंडल से 55 पदों के लिए भर्ती होनी है। इच्छुक उम्मीदवार अधिसूचना के आधार पर इस लिंक पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, जो मैं आपको बताऊंगी। लिंक मैं आपको कहां दे रही हूं ये मैं आपको आगे बताऊंगी, पहले आप वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। सहायक अधीक्षक सुरेंद्र पाल ने बताया कि ग्रामीण डाक सेवक और शाखा डाकपाल के लिए 7 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन होगा आवेदन। और मैट्रिक से अधिक योग्यता वालों को नहीं लिया जाएगा, यानी कि 10वीं पास हैं बस उन्हीं को लिया जाएगा। 10वीं से ज़्यादा अगर आपने पढ़ाई की हुई है तो आपके लिए नहीं है ये नौकरी। डाक विभाग की ओर से भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखी गई है। मैट्रिक से अधिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को सिलेक्टेड प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। उम्मीदवारों को स्थानीय भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। आयु सीमा यानी कि उम्र की अगर बात करें तो 18 से 40 वर्ष तक की उम्र के व्यक्ति इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो रिजर्व कैटेगरी है, आरक्षित वर्ग जिसे कहा जाता है, तो उन उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु में सीमा में छूट का प्रावधान भी है। अब देखिए, ये है वो वेबसाइट लिंक, इस वेबसाइट लिंक को आपको खोलना है। ये वेबसाइट लिंक मैं आपको दे रही हूँ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर क्लिक करते ही आपके सामने ये वेबसाइट लिंक खुल जाएगा। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इनिशियली कैंडिडेट हैज़ टू रजिस्टर इन द रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल वंस पर साइकिल एंड ऑब्टेन यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर। फीस पेमेंट आपको भरनी है यहाँ से, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फीस भरनी है, पेमेंट और अप्लाई ऑनलाइन के सारे स्टेप जो है यहाँ पर बताया गया है कि एप्लीकेशन कैसे भरनी है, अप्लाई कैसे करना है, ये पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है। बात करें इस वेबसाइट लिंक की, तो मैंने आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ये वेबसाइट लिंक दे दिया है, जिस पर क्लिक करते ही आपके सामने इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब देखिए, अप्लाई ऑनलाइन पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है, यहाँ पर सर्कल अप्लाई, कौन से सर्कल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि कई सारे सर्कल इसमें दिए गए हैं जिसमें भर्ती निकाली गई है। तो हमें इस पर तो जाना है बाद में, इस पर जाना है बाद में। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सबसे पहले वाले ऑप्शन जो स्टेज वन है उस पर जाना है। ये है स्टेज वन, रजिस्ट्रेशन पर मैंने क्लिक किया और क्लिक करते ही मेरे सामने ये फॉर्म खुल गया है। ये फॉर्म देखिए, मैं तो नहीं भरना चाहती हूँ, मुझे तो नहीं भरना है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसको कैसे भर सकते हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। इसमें बॉक्स दिए गए हैं, सबसे पहले फादर्स नेम, आपका एप्लीकेंट का जो अपना खुद का नाम है जो आप अप्लाई करना चाहते हैं, कैंडिडेट का नाम यहाँ पर फर्स्ट में, फिर फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर क्या है, और अगर आप ट्रांसजेंडर हैं तो ट्रांसजेंडर का ऑप्शन आपको भरना होगा। कम्युनिटी कौन सी है, क्या आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा, भरना आपको लगाना होगा, अपलोड करना होगा। सर्टिफिकेट कब तक वैलिड है ये भी बताना होगा। आर यू पर्सन डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबल हैं तो वो बताना होगा, किस टाइप के डिसेबल हैं वो बताना होगा। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है तो वो बताना पड़ेगा। 10th क्लास के आपने पास की है वो बताना होगा, कौन से साल में पास की है, कितने मार्क्स आपके आए हैं, क्या आप साइकिल चलाना जानते हैं, क्या आप कहीं काम करते हैं, तो वो आपको बताना होगा। और कहीं आप सरकारी नौकरी इस तरह की नौकरी करते हैं कहीं पहले से, तो वहाँ से आपको NOC लगानी होगी, NOC लेनी होगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसे कहा जाता है वो आपको भरना होगा। फिर इस बॉक्स पर क्लिक करके राइट, फिर इसके बाद राइट, आपको अपने फॉर्म को प्रीव्यू करना है। ये है प्रीव्यू का ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको प्रीव्यू करना है और उसके बाद ये कैप्चा डालना है, यहाँ पर ये कैप्चा दिया हुआ है ये डालना है आपको,
और इसके बाद प्रीव्यू कर लें अच्छी तरह से। प्रीव्यू का मतलब है आपने अपने फॉर्म को चेक कर रहे हैं कि कोई गलती तो नहीं की है, और उसके बाद आपको फाइनली अपने फॉर्म को सबमिट करना है, बस इतना सा काम करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे स्टेज टू पर। स्टेज टू में क्या है? फीस पेमेंट। तो फीस पेमेंट है नेट बैंकिंग के थ्रू 10 रुपये लगेंगे और 1% इसमें ट्रांजेक्शन अमाउंट लगेगा। और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर डालना है अपना, और आपको इसके बाद यहाँ पर मेक पेमेंट पर जाकर इसको पेमेंट कर देना है। मैं तो ये कहूँगी किसी कैफ़े में चले जाइए, वहाँ पर जाकर आप इस फॉर्म को भरवा दीजिए, बहुत आसानी से, बहुत बेहतरीन भर्ती है। इस तरह की सरकारी नौकरियाँ बहुत ही कम निकलती हैं दोस्तों, तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। और कैसी लगी आपको ये जानकारी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इसी तरह की भर्तियों की जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। सब कुछ मैंने आपको बता दिया है इस नौकरी के बारे में, फिर भी अगर आप कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। और आपके लिए इसी तरह की नौकरियों की जानकारी दोस्तों मैं लेकर आती रहूँगी, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन और जानकारी आपको मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आप इसी तरह की इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहिए, तो रिंक्स चॉइस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। इस तरह की इन्फॉर्मेशन बहुत ही कम आती है, इस तरह की भर्ती बहुत ही कम निकलती है, तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन और जानकारी मैं आपके लिए रिंग्स चॉइस चैनल पर लेकर आती रहूँगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।